चार धाम यात्रा आगामी 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। भगवान गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे, तो वहीं भगवान केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को देश विदेश के श्रद्धालुओं के देखो दिए जाएंगे। फिर उसके बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट 27 अप्रैल को देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। लेकिन श्रद्धालु कहाँ से आए आप लोग? देश विदेश के श्रद्धालु आना शुरू हो गए हैं। ऐसा ही एक जाता है जो मध्य प्रदेश के शिवपुर से आया हुआ है। 13 सदस्यों का ये दल अपने पैदल 28 दिन से मध्य प्रदेश के चलकर रुद्रप्रयाग पहुंचा है, जिनमें 80 साल की उम्र के भी तीर्थयात्री श्रद्धालु इसमें शामिल हैं। आस्था सब पे भारी है, ऐसा ही देखने को मिला है जब इन लोगों से इनकी जानकारी दी गई, तो इन्होंने बताया कि भगवान के दर्शन, अखंड ज्योति के दर्शन हम लोग ही कर पाएंगे, और उसके बाद केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन ही पैदल कर वापस चले जाएंगे। हमारा नाम बाबूलाल, ग्राम नेवरा और जिला शिवपुर, और हम बद्रीनाथ धाम के लिए पैदल यात्रा करने की ठानी है। परमात्मा हमारी यात्रा को सफल करें। कितने दिन हो गए आपको? हमको आज 28 दिन हो गए। कब चले थे वहाँ से? हम माने रंग पंचमी के दिन चले, चैत्र के महीने। तो क्या मन में सोचा है? हमने सोचा है कि भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। अच्छा, तो पैदल जाएंगे? पैदल आएंगे, वहीं से पैदल आएंगे। कितने लोगों की टीम है? हमारी 13 लोग हैं। हम 13 लोगों की टीम है। हाँ हाँ। तो क्या, किस गांव के हैं आप लोग? हम मेवरा गांव के हैं, और हमारे साथी भी हैं, वो जाटोली ग्राम के हैं। कुछ लोग, एक लोग माने बामई ग्राम का है, और एक लोग और माने जाटोली के पुरा का है, एक लोग दौद का है। तो क्या मन में क्या सोचा था? कितनी उम्र होंगी सब लोगों की जो पैदल जा रहे? कोई बीमार होगा ऐसे में? क्या सोचा था? 60 से ऊपर हैं साहब, कोई 80 का है, कोई 70 का है, कोई 65 का है जी। हाँ, और कोई माने 50 का है। तो क्या लग रहा है आपको कि आप भगवान केदारनाथ की, बद्रीनाथ की यात्रा करेंगे कि केदारनाथ की? बद्रीनाथ की करेंगे पहले। पहले बद्रीनाथ की करेंगे? हाँ, ज्योति, अखंड ज्योति की पहले दर्शन करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम केदारनाथ जाएंगे, फिर गंगोत्री जाएंगे, यमुनोत्री भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, लौट के जाएंगे। मेरा नाम राम स्वरूप। कहाँ से आए हैं? कितने दिन हो गए हैं? कितने लोगों की टीम है? हमारी 13 लोगों की टीम है, और मेवरा से आए हैं जी। मेवरा कहाँ, कौन सा जिला? जिला सोपर, परगना तहसील बिजयपुर। अच्छा, कहाँ जा रहे हो आप लोग? बद्री नारायण जा रहे हैं साहब। बद्री नारायण? हाँ। कितनी उम्र है? 80। 80 उम्र हो गई। तो भगवान बैकुंठ के धाम में जाओगे? हाँ, बैकुंठ के धाम में जा रहे हैं। क्या मन्नत है, क्या लेके चल रहे हो? पैदल चलो? पैदल। क्या मन्नत है? अभी तो भगवान के कपाट बहुत देर में खुलेंगे। यही मने साहब के बाकी दर्शन करने और मनोकामना पूर्ण करे। मनोकामना पूर्ण करने के लिए? हाँ। तो घर वालों को क्या बताया आपने? यही बताया घर वालों का, हमारा उद्धार हो जी। कितनी उम्र होगी सब लोगों की? अब साहब कोई 60 को हुए, कोई 50 को हुए, नीचे ना। हाँ, और दो आदमी 80-80 के, 80-80 के। हाँ। अच्छा, तो पैदल आ रहे हैं आप लोग? पैदल। आस्था बड़ी है कि उम्र बड़ी है? आस्था बड़ी है साहब। क्या सोचा मन में इतने लोगों ने कि आप लोग वहाँ जाएंगे? पैदल जाएंगे? पैदल जाएंगे, पैदल जाए भगवान के दर्शन कर, प्रभु की इच्छा पूरा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र नेगी, और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। आप देख सकते हैं कि आस्था के आगे सब कुछ नतमस्तक हो जाता है। भगवान बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे, और 25 अप्रैल को भगवान केदारनाथ के कपाट खुलेंगे, और 22 तारीख को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। लेकिन आस्था सब पे भारी है। भगवान
केदारनाथ के दर्शन करने हैं, बद्रीनाथ के दर्शन करने हैं और गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन। अगर चार धामों के दर्शन करने हैं तो सबसे पहले गंगोत्री यमुनोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ। लेकिन ऐसा ही एक दस्ता 13 लोगों का एक दस्ता जिनकी उम्र कम से कम 80 साल से ऊपर है और ये लोग मुरैना से पैदल चल के आ रहे हैं, मध्य प्रदेश मुरैना से पैदल होकर चल के आ रहे हैं और भगवान बद्रीनाथ के इन्होंने सबसे पहले दर्शन करने हैं। या इन लोगों को देख सकते हैं कि आपने ये लोग रात दिन चलते हुए भगवान के बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए जाएंगे और आस्था के आगे सब कुछ नतमस्तक है क्योंकि भगवान के दरबार में जाना है और पुण्य की प्राप्ति करनी है। ये लोग हमें अभी रुद्रप्रयाग में मिले हैं बाईपास पे और ये पैदल चल रहे थे तो लेकिन हमारी नज़र जब इन पर पड़ी तो इसी तरह से ये जत्था भगवान के बद्रीनाथ की ओर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये भगवान बद्रीनाथ के जब कपाट खुलेंगे तो सबसे पहले भगवान के दर्शन, अखंड ज्योति के दर्शन इन्हीं लोगों को प्राप्त होंगे। धन्यवाद। हरेंद्र नेगी, रुद्रप्रयाग।